नमस्कार दोस्तों, ये बाइक बेचनी है और ओनर आर्मी में है ऐसे बताकर फ्रॉड करता है, तो कृपया ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और किसी फ्रॉड को आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत कीजिए। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि इंडियन आर्मी का नाम लेके ये आदमी कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ये वीडियो बहुत मुश्किल के बाद बनाई है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ही सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिले। तो आगे वीडियो आप ही खुद देख के आप ही डिसाइड कीजिए ये कैसे ऑनलाइन फ्रॉड करते हो और देश का नाम खराब करते हैं, आर्मी को बदनाम करते हो। तो आगे देखिए वीडियो। के लिए बेच रहा हूँ ऐसा है क्या जी? गाड़ी किस ईयर की है? 2020 मॉडल है। तो उसका आरसी बुक भेजो ना मुझे। भैया है ना आपको? नहीं ना, आरसी बुक नहीं भेजा आपने। मैं भेजता हूँ। फोन कट करके फिर से डॉक्यूमेंट सेंड करके फ़ोन किया था। जब मैंने बात की और बाद में दोनों का झगड़ा शुरू हो गया तो उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिए थे, मगर मैंने दूसरी जगह से वो अवेलेबल किए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियो देखिए। हेलो। हाँ गाड़ी क्या कुठे यावं लागेल बघायला? काय हिंदी बोला? हाँ हिंदी। आपका नाम क्या है सर? हंसराज। सर नेम? हंसराज हेमंत कादम। तो सर महाराष्ट्र के हो गए ना आप? जी, वो मैं दिल्ली में रहता था इसके लिए। ऐसा ही क्या? तो महाराष्ट्र में तो हिंदी में मराठी में बात करना चाहिए, ऐसा है ना? वो हिंदी में करता हूँ ना सर। ऐसा ही क्या? तो इंडिया की लैंग्वेज हिंदी है ना। गाड़ी देखने के लिए कैसे आना पड़ेगा क्या? मैं पुणे आर्मी से हूँ, डिलीवरी हो जाएगा। डिलीवर हो जाएंगे? प्रोसेस कैसे करनी पड़ेगी क्या? मैं आर्मी में हूँ, जो मेरा पुणे खड़की है ना, इधर मेरा ड्यूटी है। हाँ जी। तो हेलो, तो क्या कैसे गाड़ी कैसे लेनी पड़ेगी मुझे, क्या करना पड़ेगा? गाड़ी आपको लेनी है? हाँ जी। देख ली? हाँ जी देख ली ना। 25,000 प्राइस है। हाँ जी। डिलीवरी होगा? हाँ जी। आपके नाम पे करके देंगे। हाँ, आपका आधार कार्ड, एक फोटो व्हाट्सएप करना होगा। हाँ, और 1,550 रुपए फोन पे करना होगा, जो कि आपका डिलीवरी और पेपर खर्चा लगेगा। ऐसा है क्या? हाँ जी। और नाम पे करके दूंगा, घर पे भेज के दूंगा। ऐसा है क्या? जो आर्मी डिलीवरी कोरियर वाला होता है ना। हाँ जी, वो लेके आएगा। आपका पूरा एड्रेस और आपका आधार कार्ड मुझे भेज दीजिए, मैं खुद आपके पास आऊंगा पुणे में। सर मेरे को पुणे में मिलना अलाउड होता ना? हाँ जी। तो मेरा 40,000 से 45,000 रुपए का मार्केट के रेट से गाड़ी है। हाँ जी। मैं पागल नहीं हूँ, जो इतना अच्छा गाड़ी 2020 का मॉडल 80-85,000 रुपए का लिया था उस टाइम, और अभी इतने नॉर्मल प्राइस में दूं सर? हाँ, एक ट्रांसफर हुआ जम्मू कश्मीर के लिए, उसके लिए मैं बेच रहा हूँ सर। तो कब जाने वाले आप जम्मू कश्मीर? मेरा गन स्टोर में ड्यूटी है, इधर हाँ इधर मिल नहीं सकता, इम्पोसिबल है। तो क्या कर दीजिए, पुणे से हमारे यहाँ तक 100 किलोमीटर का दायरा है भाई। वो बात तुम्हारा राइट है, लेकिन इधर मिलना अलाउड नहीं है किसी को भी। तो आपके यहाँ से किसी को गाड़ी लेके भेज दीजिए इधर, आप उसके पास में पूरा पैसा और डॉक्यूमेंट। 1,500 रुपए के लिए आपको तो भरोसा नहीं, 25,000 का गाड़ी भेज सकता हूँ। तो मैं आता हूँ ना आपके पास खुद इधर। अरे भाई साहब, मिलना अलाउड नहीं है ना यार। मैं आपके आप जिधर बाहर बोलोगे ना, मैं अंदर मैं अंदर रहता हूँ, आप अंदर आ जाओगे तो आप अंदर आपको आने देंगे? नहीं आने देंगे आपके आप सर के पास से, आप जब मुझे अलाउड करेंगे ना तो मैं अंदर ही आ सकता हूँ। भाई साहब नहीं आने देंगे यार, ऐसा आना अलाउड होता तो मैं 40-50 हजार का गाड़ी बेच सकता हूँ। मेरा प्रॉब्लम समझिएगा सर, ये तो आप टेंशन लेना मत, मेरा फौजी भाई पैसा खा जाएगा।
हम एक देश का सेवा करते हैं, ठीक है। हाँ तो आपके पास तो कोई लिमिट होगा ना ड्यूटी का, छुट्टियां आपकी मेरा शाम को ट्रांसफर है भाई साहब, मेरा गन स्टोर में ड्यूटी रखा है, तो अभी मेरा COVID-19 चेक करेंगे दिन में। ऐसे क्या? और का आप तो ट्रांसफर होने वाले हो, तो फिर कैसे आप नाम का कागज वगैरह डॉक्यूमेंट करके देंगे? तुम्हारा व्हाट्सएप में मेरे को डॉक्यूमेंट डालेंगे। हाँ। डालने के बाद इधर से हम अपना सिग्नेचर मार के गाड़ी भेजेगा। हाँ। जैसे तुम्हारे घर पे गाड़ी आएगा तो गाड़ी आप चला के देखना, गाड़ी राउंड मार के देखना, यूज करना कि मैकेनिक को दिखाओ, जो जान पहचान वाला बंदा उसको दिखाओ, उसके बाद तुमको गाड़ी अच्छा लगता है तो जो अपना 23,500 रूपए आपके पास में बचेगा वो दे देना। गाड़ी अच्छा नहीं लगेगा तो 1550 में से 50 रूपए कट के 1500 वापस हो जाएगा। जो 2930 नंबर फोरम होंगे उसमें अपना सिग्नेचर करके दूंगा, तुम्हारे को गाड़ी अच्छा लगेगा सिग्नेचर कर देना अपना, गाड़ी आपका नाम हो जाएगी। गाड़ी अच्छा नहीं लगेगा नरसी को सिग्नेचर करना, गाड़ी रिफंड हो जाएगी। तो मैं क्या कहता था, मैं खुद आके लेता तो अच्छा रहता था, ऐसा लगता था मुझे। सर वो बात तुम्हारा राइट है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इधर मिलना अलाउड नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यही है, मैं आपको गाड़ी डिलीवरी से भेजूंगा। जो भी बंदा मेरे से गाड़ी लेगा ना, तुम्हारे तुम लोग या कोई दूसरा ले, तो गाड़ी डिलीवरी से आएगा, डिलीवरी चार्ज अभी देना होगा। तो डिलीवरी चार्ज उसी वक्त दिया तो वो नहीं चलेगा सर। उसके लिए देखो मेरा बात सुनो सर। क्या क्या? उसके लिए मैं तुमको मेरा आर्मी का कैंटीन कार्ड होता है ना, तुमको कैंटीन कार्ड व्हाट्सएप कर सकता हूँ, आधार कार्ड व्हाट्सएप कर सकता हूँ। आपका आधार कार्ड कैंटीन कार्ड क्या? हाँ भरोसे के लिए। हाँ भेज दीजिए ना वो तो। मगर क्या है, अभी तक तो ऐसा नहीं कि मैं पुणे में तो आ सकता हूँ ना अभी। वो बात राइट है, लेकिन आने नहीं देंगे, मैं मिल नहीं सकता सर। हाँ। गाड़ी आपके घर पे 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। 1.5 घंटे में? 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। ऐसा है क्या? 100 किलोमीटर में तो 2 घंटा लगेगा आर्मी का 4x4 अलग से। तो कौन लेके आएगा? हमारा आर्मी डिलीवरी वाला। आर्मी डिलीवरी वाला का? तो आर्मी डिलीवरी वाला जो है ना आपका, उसको मेरा नहीं, वो सरकारी है, वो ये नहीं को, मेरे को क्या पता कौन सा लेके आएगा। जो में 10-20 बंदे रहे थे डिलीवरी वाले। हाँ तो उसको है ना, उसको मैं अलग से 500 रूपए दूंगा उसको। भाई मेरा बात सुन, मेरे को जब 500 रूपए का भीख नहीं मांग रहा हूँ मैं 50,000 का गाड़ी भेज सकता हूँ। मैं गरीब बंदे का सेवा करता हूँ, तुम जैसे लोगों की सेवा करते हैं हम लोग, उसके लिए तो नॉर्मल प्राइस में रखे है ना, वरना इतना नॉर्मल प्राइस में क्यों रखते सर? आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको तो ट्रांसफर होने वाला है आपका, तो मैं क्या देखो। अब मेरा बात सुनो, तुम 1500 रूपए का भरोसा नहीं कर रहे, हम बॉर्डर पे गोली खाते जान तका देते लहू बात है सर, अपने घर पे साल से साल नहीं जाते सर, और तुमने सर एक ऐसा बात बोल दिया मैं भरोसा नहीं कर सकता। क्या क्या कहा आपने अभी? हम अपने देश के लिए लहू बात है, बॉर्डर पे गोली खाते जान तका देते, और तुमने ये बात कर दिया, मतलब 1500 रूपए का भरोसा नहीं है भाई साहब। अभी अभी मेरे बात से बात करूँ क्या मैं? हाँ वो फोन कट नहीं करना अभी। हेलो। हाँ मैं बात करता हूँ मगर कॉल कट नहीं करना अभी। अच्छा अबे तू किसी को चूतिया बना रहा है, देश के नाम पर लोगों को फ्रॉड कर रहा है 1,500 का, और मुझे बता मेरा बात सुन, देश की सेवा एक तो लैंग्वेज से बात कीजिए ठीक है। अबे तुम्हारे जैसे चूतिया लोगों के आर्मी का नाम खराब हो रहा है। और गालियां देने लगा और फोन कट कर दिया। तो देखा दोस्तों, ऐसे ही आर्मी का नाम लेके लोगों को फ्रॉड हो रहा है, इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए।